आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में आज का जो शुक्रवार था, दरअसल ये राजनीति के लिहाजा से बड़ा गंभीर दिन था, क्योंकि आज एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जो रथ यात्रा है वो रायबरेली की तरफ मोड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ अमित शाह, गृह मंत्री देश के, वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। और यहाँ पर जिस तरह से मौसम का तापमान गिर रहा है, लेकिन उस बीच जो राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है उसकी नब्ज टटोलने के लिए आए हुए थे। अमित शाह आज निषाद समाज की रैली में मौजूद थे, जहां पर संजय निषाद उनके साथ थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रही है। हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया, सपा बसपा का हम सुपड़ा साफ कर देंगे, हम 300 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, हमने आवास, गैस, चूल्हा, कई सारी योजनाएं दी, हमने शौचालय दिया, हमने गोल्डन कार्ड दिया, हमने किसानों के लिए सोचा, हमने निषादों के लिए सोचा, हमने सबके लिए सोचा। लेकिन ये सब बीती सरकारें उत्तर प्रदेश की नहीं सोचती थी, वो सिर्फ अपना घर, अपनी जेब भरने में लगे रहते थे। इस दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो भी वहां पर पहुंच गए थे। थोड़ी देर उन्होंने हंगामा काटा, हालांकि 6 महीने से ज्यादा हो गया उनके प्रदर्शन को, उसके बाद वो सब भी वहां से हटाए गए। लेकिन अमित शाह ने आज निषाद समाज की जो रैली थी, उस रैली में विपक्ष के साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विपक्ष के बारे में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी राजनीतिक दल रहे हैं, जो जब सत्ता में थे, तो किस तरह से उन्होंने जनता का विकास किया, जिसको अगर नंबर दिया जाए तो शायद शून्य हो। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शून्य से नीचे भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि बीती सरकारें उत्तर प्रदेश की इतना काम भी नहीं कर पाई कि वो गरीबों को शौचालय दे दें, हमने तो आवास तक दे दिया, हमने गोल्डन कार्ड तक दे दिया, हमने गैस चूल्हा दे दिया, हमने कई सारी योजनाएं दे दी, लेकिन बीती सरकारें इन सब पर फोकस ही नहीं करती थी। उनका काम सिर्फ अपनी जेब भरना और अपना राजनीतिक दल कैसे बढ़िया चले, कैसे ठाट बाट से सिस्टम बना रहे, इस पर फोकस किया करते थे। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि अमित शाह ने, जिसलिए वो आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और मंत्रालय का गठन किया, हमने बनाया, क्योंकि संजय निषाद ने इसकी मांग की थी निषाद समाज के लिए। लेकिन जिस तरह से कायास लगाया जा रहा था कि आज अमित शाह जब आएंगे राजधानी लखनऊ में चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, तो निषादों के आरक्षण के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, यह सवाल है। उसके बाद कई नेताओं से हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब सही नहीं मिला, और अनुमान अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर निषादों ने जिस बात के लिए इस रैली को रखा था कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाएगा, उस पर कुछ भी क्लियर नहीं हो सका। मैं इस पर आऊंगा। दूसरी तरफ बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा लगातार बदस्तूर जारी है। आज वो रायबरेली की तरफ मुड़ गए थे, रास्ते में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर काफी कुछ हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को जिल्लत और किल्लत की आदत लगा दी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से लोग मर गए और सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले दिनों में बताएंगे कि सरकार किस तरह से विज्ञापन पर ही काम करती रह गई और जनता ने उन्हें साफ कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में साइकिल चलने वाली है। और इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं छोटे दलों के बारे में भी कहा कि हमारे साथ बहुत सारे छोटे राजनीतिक दल साथ आ चुके हैं, जिसका कल एक उदाहरण देखने को भी मिला जब शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव ने मुलाकात करी और गठबंधन को लेकर लगभग दोनों ही राजी हो गए। दोनों ने ट्वीट करके इस बात को लगभग कन्फर्म कर दिया कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है वो कन्फर्म है।
बात करी जाए निषाद समाज की या निषाद पार्टी की, तो आज की ये रैली उनके लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उनको उम्मीद जरूर थी कि इस बार अमित शाह आए हैं तो निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात जरूर होगी, मछुए समाज के लिए आरक्षण की बात जरूर होगी। हालांकि हुई नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में करीब 5 दर्जन से ज्यादा ऐसी प्रमुख सीटें हैं जहां पर निषाद समाज, जहां पर केवट, बिंद, मल्ला, कश्यप, नुनिया, मांझी, गौड़ जैसे समाज जो कि ओबीसी जातियों के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, इनके 5 दर्जन प्रमुख सीटों पर प्रभाव माना जाता है। और ये प्रभाव बीते चुनावों में देखने को भी मिला है। ये वोट बैंक बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गया था और उसका फायदा भी बीजेपी को काफी मिला। लेकिन अब ये वोट बैंक किसके खाते में जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जो जनता यहां पर इकट्ठा हुई थी उसके मन में ये बात जरूर थी कि कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा देश के गृह मंत्री इस समाज के लिए करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें थी और क्या आज की रैली इस उम्मीद पर खरी उतरी या नहीं उतरी। देश के गृह मंत्री जिस बात को लेकर के आज आए हुए थे उस बात को वो पूरा किए, निषाद समाज को मना पाए या नहीं मना पाए, इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पहले 2 बयान सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह का और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जब मोदी जी सरकार बनी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहेंगे। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया, किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई, गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, बोलो किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 1-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई, ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीटें छोड़ी थी और हमेशा छोड़ते आए हैं, लेकिन विधानसभा हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है। तो ये चुनाव विधानसभा का है और विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी सीटों पर लड़ेगी। ये विधानसभा का चुनाव ही लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा में परंपरा ये रही है, राजनीतिक हमारा पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का इतना शिष्टाचार रहा है कि एक दूसरे के लिए ये सम्मान की और गुंजाइश की जगह रखते हैं, लेकिन विधानसभा समाजवादी पार्टी हमें हमेशा लड़ी है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बड़े पैमाने पर जीत हुई थी। आने वाले समय में अपील करने निकला हूँ कि 100% समाजवादी पार्टियों को यहाँ की जनता जिता देगा कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं कोशिश रही है उनको साथ लाने की। और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे, तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चले। जय श्री राम। हाँ, वो गौरव जी आपको भेज रहे। तो
तो आज के इस प्रमुख मुद्दे पर हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, फिर इस चर्चा को जल्दी से शुरू करेंगे। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं, इसके अलावा मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, प्रदीप सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय सिंह जी निषाद पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ प्रसपा से प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अजय सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा आप ही लोग का है, आज आप ही लोग की रैली थी, और सबसे अहम बात यह है कि जानना आप लोगों से ज़रूरी है कि संतुष्ट हुए कि नहीं, मन माना कि नहीं माना। आज अमित शाह जी आए थे, मना लिया आप लोगों को कि नहीं मनाया उन्होंने? निश्चित तौर पे हम लोग के बहुत सारे एजेंडे थे, और परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने जो पिछले 6 साल से सारी वस्तुओं और विषयों को उनके समक्ष रखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतृत्व ने इस बात को स्वीकारा है, और उसके स्वीकारने के उपरांत जितनी भी चीजें उनको समझ में आई हैं, आज के सभी अखबारों ने उसको बड़ी प्रमुखता से छापा है। क्या निषाद समुदाय का एक बिंदु नहीं है? निषाद समुदाय के 14 बिंदु थे जो उन्होंने क्रमवार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा था। उसमें निषाद आंदोलन में बहुत सारे ऐसे विषय थे जो काफी समय से लंबित थे, विभिन्न सरकारों ने उसको लंबित ही रखा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, परम आदरणीय अमित शाह जी आज हम लोग के बीच थे, और उन्होंने बड़ी लंबी फेरिस्त उसकी बताई है। और ये आश्वासन, आपका ये कहना कि आरक्षण के विषय पर पर्टिकुलरली उन्होंने कोई विषय नहीं रखा, यह सत्य है, परंतु यह बात उन्होंने जाते जाते कही है, और बहुत ही संतोषजनक बात कही है हम लोग के बीच, कि जो कुछ भी समुदाय का हमारे पास विषय लंबित है उसको यथाशीघ्र हम कुछ कानूनी दावपेच ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं लागू किए जा सकते हैं। नंबर दो बात यह है तो इसका नुकसान तो चुनाव में मुझे लग रहा कि हो जाएगा, क्योंकि मैं भी वहां पर मौजूद था और कुछ देर बाद वहां पे कुछ मंच पे था, हाँ, और कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो उनसे मेरी बात हुई, मेरे पास उनके बयान भी हैं। रोष था तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसे ही रहा तो संजय जी खुद अकेले चले जाए, ना निषाद समाज जाएगा, ना वोट जाएगा, ना हम जाएंगे। आपकी बात से मैं वाकिफ हूँ, बात मैं बताना ये चाह रहा था कि चूंकि अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट था, जो उनका बयान था, वो सामान्य जनता के ऊपर थोड़ा सा ऊपर से चला गया। हम ये चाह रहे थे कि उसका वो खुलासा करें, लेकिन उन्होंने खुलासा ना करके यह स्पष्ट कहा है कि मछुआ समुदाय का बहुत बड़ा फेरहिस्त हम लोग के बीच है, उसमें इनके मुकदमे जो बहुत सालों से लंबित है वो वापस होने थे, पट्टे होने थे, तालघाट नदियों के पट्टे से संबंधित समस्याएं थी इनकी जो कि लागू होने थे। आज उसमें से 16 समस्याएं उन्होंने सॉल्व कर दी हैं। अच्छा। और उन 16 समस्याओं की लिस्ट आज के सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से छापे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ शाही साहब हैं, अश्विनी शाही साहब। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि ये रैली तो आप लोगों ने कर दी, ये भी कह दिया रैली नहीं रैला था, जनता भी इकट्ठा हुई थी, लेकिन आरक्षण वाला मुद्दा बंद कर दिया किसी डब्बे में, आप लोग ने कुछ बोला ही नहीं उस पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रमुखता से आप आरक्षण को बार बार जो है जो सर मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे जो लोग आए थे उनका कहना है जी। नहीं नहीं, ये हो सकता है कहीं से ये विचार उठा हो, और कम से कम मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी की और माननीय संजय निषाद जी की पिछले 3 महीने में कम से कम 4-5 बैठक तो मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और कई जगहों पर हो चुकी है, जिस पर क्रमवार वार्ता भी हुई है और उस पर विचार भी हो रहा है। अच्छा। और नितिन जी आपके माध्यम से मैं बताना जरूर चाहूंगा कि संजय जी को जब हम लोगों के साथ गठबंधन हुआ तो जो गठबंधन हमारे साथ है वो हमारे परिवार के अंग हो जाते हैं। जब तक देखिए माननीय राजभर जी जब तक ब्लैकमेलिंग पर उतारू नहीं हुए तब तक अच्छा। उनको पार्टी ने हटाने की बात नहीं की, क्योंकि उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, जो भी था उनकी वो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं कर पाए और बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन हमारे साथ शिवसेना शुरू से जुड़ी रही, अकाली दल शुरू से जुड़ा रहा, लेकिन वो लोग हमारे साथ से गए। आज बहन अनुप्रिया जी हैं और माननीय संजय जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनकी लगभग अभी देखिए अजय जी ने बताया बहुत खुलासा किया कि आज 16 समस्याओं का निदान अखबारों में प्रमुखता से छापा है। तो अब आप जब आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण की मांग माननीय संजय जी की थी, और इसको मैं आपके चैनल पर बड़े ही गंभीरता से कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी के और उत्तर प्रदेश के माननीय कर्मी योगी मुख्यमंत्री जी के पास
ये चीजें विचाराधीन है। अच्छा एक चीज कह रहा था शाही साहब, शाही साहब जरूर होगी, ठीक है शाही साहब ये कह रहा था विचार करते करते देर ना हो जाए, कल आप लोग विचार ही कर रहे हैं उधर, कल शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात हो गई, वो तो लगातार मजबूत कर रहे हैं खुद को और आप लोग विचार कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कोई दांव हो सीखना हो तो हम लोग से सीख ले, समाजवादियों से सीख ले। ये तो नितिन भाई ये तो बड़ा हास्यास्पद बात हो गई कि दांव सीखना हो, और आज जो जो उनकी अब स्थिति जो है, नितिन जी आप एक पत्रकार हैं और समाजवादियों से पूछिए, जो टिकटार्थी वहां है उनके यहाँ उनसे पूछिए, और माननीय शिवपाल जी का दर्द समझिए कि वो किस दर्द में आए हैं और उनके साथ के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी, तो कहां से 100 टिकट के नितिन जी सुखाने। नहीं नितिन जी मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि साइकिल तो साइकिल होती है लेकिन जितनी सवारियां चल रही हैं उस पर वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा ठीक है, और मैं आपको एक बात और आपके आपके चैनल पर बताना चाहूंगा, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। जरूर सर, हमेशा समाजवादी पार्टी एम और वाई के फैक्टर पर चला करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास करते हुए हम भी एम वाई फैक्टर जो कि उनके एम वाई फैक्टर से बहुत दूर है, बहुत आगे हम लोग हैं, एम वाई मतलब मोदी और योगी, मोदी और योगी मतलब एम वाई, एम वाई फैक्टर हमारा एक कर्मयोगी और एक जो है देश को जो है विश्व के मानचित्र पर बहुत बेहतर बनाने वाला एक मजबूत नेतृत्व माननीय मोदी जी का हमको जो मिला है, ये दोनों मिलकर हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अब तो संजय जी का साथ, और सुनिए आज मुगालते में ओम प्रकाश राजभर जी न रहे, जितना वोट वो पाए थे 17 के चुनाव में उससे उसके बराबर माननीय प्रसाद जी की पार्टी जो है पाई थी, ये मुगालते में वो लोग न रहे। हम अरे अब तो कांग्रेस भी टक्कर में है भाई, शाही साहब अब तो कांग्रेस भी टक्कर में है आपके, कैसे कांग्रेस को? अच्छा कांग्रेस उनके उनके एमएलए तो सदन में कह रहे हैं कि बलात्कार हो जाए तो लेटकर मजा लीजिए, बताइए ये है इनके इनकी चीज है, इतने गंदगी वाले ये राजनीति करते ये लोग, और महिलाओं को 40% देंगे ये लोग। ठीक है आज ही का बयान है कर्नाटक का। ठीक है सर मैं आता हूँ, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मिसम जी ये कौन सा दांव जो है अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी वालों से कि हमसे सीख लो? दूसरी चीज, आज अमित शाह रैली कर रहे थे लेकिन आपके पुराने साथी कुछ लोग थे जिनकी ये रैली थी निषाद समाज की और संजय निषाद की, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे, मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं आप इसी मुद्दे पर टिके रहेंगे। नितिन जी ऐसा है कि शाही जी जो है वो मुझे लगता है कि अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं का भाषण ध्यान से नहीं सुनते हैं, और देखा होगा आपने कि लगातार नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का इनके गृह मंत्री ने कई बार संबोधन किया, कई बार राज शेट्टी जी का नाम लिया। अगर ये डरे और घबराए हुए नहीं हैं तो समाजवादी पार्टी का इतनी बार नाम लेना ये दर्शाता है कि ये घबरा चुके। नहीं तो वो तो आपकी कमियां बता रहे थे ना कि आपने क्या नहीं दिया। देखिए हमारी ये कमियां ही बता करके ही चुनाव लड़ने की उम्मीद में रखे हैं, क्योंकि ये जो करना था ये तो नहीं कुछ कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी कमियां ही ढूंढेंगे, क्योंकि अभी हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं ये शायद भूल गए कि अभी चुनाव जो हुआ था इससे पहले हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का, उसमें महिलाओं के कपड़े यही उतार रहे थे खींच रहे थे, तब इनको महिलाओं का सम्मान याद नहीं था। और रही बात तो इनकी संजय निषाद जी की, तो जो इनकी पार्टी में आ गए अब जो इनकी क्या डील हुई ये तो नहीं पता, मगर हाँ ये सच है कि शायद राजभर जी ने वो मोदी जी का नया वाला प्लेन मांग लिया था, ब्लैकमेल कर रहे थे कि यार हमको भी कुछ दिन किराए पर दे दो चढ़ने के लिए हम चढ़ेंगे। तो अब इन सब चीजों को जब मांग लिया गया, जो चीज लेने के लिए बने हैं आपके प्रधानमंत्री और आपके योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता को जो लूट खचोट रहे हैं, अगर उसी में साझा कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है झगड़ा होना आपस में, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के ये घबराए और बौखलाए दिख रहे हैं। और लगातार जो आप देख रहे हैं चाह करके भी और चाह करके भी मीडिया जो दिखा रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज ही देखिए रायबरेली में ये जबरदस्त स्वागत, तो कह रहे कि एक साइकिल पे कितने लोगों को बैठाएंगे आप लोग? अरे अब जाहिर सी बात है कि उम्मीद इनकी थी कि साइकिल में 2 से 3 लोग ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, मगर अब जनता इनकी लग्जरी गाड़ियां छोड़ करके साइकिल की ही सवारी करना चाहती है तो हम मना तो कर नहीं सकते, हमारा तो दिल बड़ा होना चाहिए। आपने सुना होगा जहां से मतलब नहीं होता ये हमारे पुरखे कहते आए, तो हमारे अखिलेश यादव जी का हमारे समाजवादी का दिल बड़ा है, जिसको आना हो वो आ जाए, हम
हम उसका इस्तकबाल करेंगे और हम उतर जाएंगे, हम उसको बिठा करके लेकर के चलेंगे, जितने भी लोग बढ़ करके चले जाए। और हमारी साइकिल जो है वो अल्मोनियम की नहीं है, हमारी साइकिल जो है वो लोहे की है और देश के हाथों लोहार के हाथ बनाई हुई स्वदेशी साइकिल है। ये विदेशी गाड़ियां नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई जो खराब हो जाए। स्वदेशी का नारा ये देते हैं, स्वदेशी सवारी से हम चलते हैं। और इनकी बौखलाहट देखिए, आपको एक बार बता दें, इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि आज आपने देखा निषादों के लिए इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, इतनी बड़ी पार्टी करी। अब आप एक बात बताओ, आखिरी में जो निषाद जिस उम्मीद के लिए आया था उसको आपने ये कह करके समाप्त कर दिया कि इसमें जो है वो कानूनी दांव पेच होता है। तो जब डबल इंजन की आपकी सरकार है तो जो आपको करना है, जितने आपने लोकार्पण कर लिया वो कौन सा भी आप करने जा रहे हैं? लाखों हजारों करोड़ रुपया देने की बात तो रहे, विचार करेंगे ना। करोड़ों रुपया लाखों रुपया आप उत्तर प्रदेश को देने का काम करते हैं तो ये भी एक बात कह देते हैं, मगर आप घबरा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हर बार आपका जुमला पकड़ा गया है, अब की बार फिर जुमला पकड़ लिया गया हो, इनको कहकर के ही सेंटर से भेजा गया है। ये मेरा भाई ऐसा मत कोई पेमन लगाने का काम कर देना ढकाड़ा को, जिसको अब की बार 2022 में सिलने का मौका भी ना मिले और जनता उसको उखाड़ करके बाहर फेंक दे। आपने देखा बहुत समझ। अरे तो जब 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 अजय जी संतुष्ट है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है इतनी? अजय जी कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है, अगर अजय जी संतुष्ट हैं और वो अपने बिरादरी को लेकर के अपने समाज को आगे लेकर के चल सकते हैं और सबको निश्चित तौर पे हमें तो नहीं लगता। जाहिर सी बात है, आपकी अंदर क्या डीलिंग हो गई है? अंधा जब जाने जब दो आंखें पावे। अरे डीलिंग तो डीलिंग उसको जो है वो पेरिस, आ रहा हूं सर, एक एक करके आ रहा हूं प्लीज। अरे लिखित जी, आप पेरिस और स्विट्जरलैंड के नजारे कर रहे हैं अंधे से, और अंधे को आप दुनिया की बातें बता रहे हैं। दुनिया गोल है, चपटी है, रंगीन है, अंधा का क्या पता। अंधा जब दो आंखें पावे। निषाद समाज वहां गया अपने फायदे की बात सुनने के लिए, अपने समाज की उन्नति तरक्की के लिए, आपने वो बात ही नहीं करी। गोल 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 बातें करके घुमा करके आपने छोड़ दिया और बजाओ ताली मदारों। आप सबके जवाब इकट्ठा लीजिएगा। नितिन जी, आपकी डबल इंजन की सरकार अब जो बातें मेरी नहीं है भाई, ना मेरी नहीं, शाही साहब की है। हम भी मैं बात कह रहा हूँ कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप प्रदेश और सेंट्रल में चला रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ना, आपने हर बातें करी, आपने मंदिर की बात करी कि वहां पर मंदिर बनेगा, गगनचुंबी बनेगा, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए। और आप ना बना पाइएगा, हट जाइएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उससे कहीं बड़ा मंदिर मथुरा के अंदर बना करके दिखाएंगे, और बनाया है बना के दिखाएंगे, आप हट जाइए। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखिए, आप वादे मत करिए, काम खत्म हो गया। जो वादे करने थे 5 साल में आपका समय निकल गया। अजय भाई इतना क्यों हंस रहे हैं मंदिर की बात पे भाई? मथुरा वाले, मैं हंस इस बात से रहा हूँ कि आप वह विषय रख रहे हो कि जो अनडाइजेस्टेबल है, अपाच्य है बिल्कुल। अखिलेश यादव से मथुरा में मंदिर बनाने की बात अगर कोई कहे तो हास्यपद नहीं है तो क्या है? ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, पहले सबको जोड़ लो, पहले सबको जोड़ लो, चलवाई है लाशों का पैतरा भी छा दिया है। ठीक है प्लीज प्लीज प्लीज, वन बाय वन, अभी अभी और लोग हैं, अभी और लोग हैं। ठीक है मिशन भाई, मिशन भाई, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसी कौन सी कार्रवाई अजय जी प्लीज, प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस से। प्रदीप जी, शाही साहब से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कंपटीशन टफ है, कांग्रेस भी काफी मजबूत दिखाई दे रही, तो वो बिल्कुल नकार रहे हैं, कह रहे कि कुछ नहीं है। और आज एक रैली हुई लखनऊ में, उस रैली को आप किस नजर से देखते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अहंकार से भरे हुए, उन्हें लोकतंत्र में कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। इस प्रदेश के किसानों की आवाज, इस देश के किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, युवाओं की आवाज, बेरोजगारों की आवाज इन्हें सुनाई नहीं पड़ती। और अगर आवाज लेके आप सड़कों पर उतरते हैं तो कहीं ये गाड़ियों से रौंद देते हैं, कहीं ये लाठियां चलाने लगते हैं। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब हम महिला अधिकारों की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। जब टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की बात करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। नए सरकारी पदों में आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति की बात करते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। 10,000 केरल में आपने, हम निश्चित तौर पर हमें कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज आपके संभ्रांत चैनल पर बैठ के बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या महिला दिया इन्होंने?
प्रदेश अध्यक्ष क्या महिला दिया इन्होंने? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या महिला दिया हुआ? हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला दिया, हमने प्रदेश अध्यक्ष महिला दिया, हमारी सीएलपी लीडर भी आज महिला है, और हम तो महिला रिजर्वेशन की बात सदन में लेकर आए थे। आप ही वो दल है, वो राजनीतिक दल है जिन्होंने प्रबल तरीके से सदन में विरोध किया था। अच्छा, आज वाली रैली के बारे में क्या, निश्चित तौर पर ये बात करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से झूठे और कोरे आश्वासन देने की बात गृहमंत्री जी ने की, और देश के प्रधानमंत्री तो तमाम तरह की झूठ बोला करते थे, आज निश्चित तौर पर गृहमंत्री जी ने भी एक झूठ बोला। अगर वाकई निषाद समुदाय की बात करना चाहते थे तो गोरखपुर के उन अपराधियों को जिन्होंने निषाद समुदाय के घर में घुस के मारा और पीटा, उन्हें सजा दिलाने की बात करते थे। जब अगर निषाद समुदाय की वाकई बात करनी थी तो वाकई जो एक जो रोजगार है निषाद समुदाय का, नदियों के किनारे बसा हुआ रोजगार, जो और पट्टे का अधिकार उनका नैतिक अधिकार है, उनका स्वयं वो अधिकार है, उसमें कम से कम उन्हें वहां पे खनन की जिम्मेदारी निषाद समुदाय को मिलनी चाहिए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरह की कोई बयान दिया क्या? उनकी तो नावें फूंक देते हैं ये। अगर प्रियंका गांधी को लेकर कहीं चले जाए तो उनकी तो नावें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे फूंक देते हैं। उसके बावजूद भी अगर निषाद समुदाय के लिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, अगर टेनी महाराज और गोडसे के समर्थक इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर टेनी महाराज और कुलदीप सेंगर जैसे लोग इनके साथ खड़े होते नजर आएंगे और लोकतंत्र में उठती हर वो आवाज दबा दी जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आ रही है। आप ये देख लीजिए, जैसे कोई शिक्षा मित्र सड़क पर आता है अपनी बात लेकर आता है, ये लाठियां चलाने लगते हैं। जैसे कोई बेरोजगार नौजवान अपनी बात सड़क पर लेकर आता है, लाठियां चलाने लगते हैं। और इतना ही नहीं करते, बारी घोटालों की सरकार इतनी वांड निकालते हैं, सारी की सारी वांड घोटालों के भेंट चढ़ जाती है, उन पर सवाल करो तो लाठियां चलती हैं। तो बात यह है कि निश्चित तौर पर इस देश और इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अमित शाह जी ने टेनी महाराज जैसे गुंडों को संरक्षण, एक संस्था का संरक्षण दिया है, उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर लिया है कि अब हमें गुंडे और गोडसे की सरकार नहीं चाहिए, इस देश में गांधी और गांधीवादियों की सरकार चाहिए। ठीक है, प्रदीप, माफ कीजिएगा, वीरेन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसपा से। वीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अभी शाही साहब कह रहे थे जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी के पास एक साइकिल है, एक साइकिल पर कितने लोग सवार होंगे, और आपके पुराने साथी कहा जा सकता है क्योंकि सपा में कभी थे संजय निषाद, तो संजय निषाद अब जब अलग हो गए तो उन्होंने आज एक रैली राजधानी लखनऊ में की थी, गृहमंत्री अमित शाह आए थे वहां पर, मछुए निषाद की बात तो हुई थी लेकिन कुछ ऐलान नहीं हुआ, आप इस रैली को किस नजर से देखते हैं? दूसरी चीज, अखिलेश यादव कोई दांव सिखाने की बात कर रहे हैं बीजेपी वालों को, कौन सा वो दांव है? और साइकिल वाली बात जिस पर जो शाही साहब ने कही कि एक साइकिल है, एक साइकिल पर कितने लोग सवार होंगे, तो आप कहां पर बैठे हैं? गद्दी पे बैठे हैं, कैरियर पे बैठे हैं, कहां पर आपको जगह दी गई? नितिन जी, सवाल इसका नहीं है कि साइकिल पे कितने लोग बैठते हैं, सवाल इसका है कि दिल में इनके कितनी जगह है। अच्छा, सत्ता के लुलुता में भागीदार बनने के लिए गेंद और डबल इंजन के सरकार के पीछे भागकर संजय निषाद जी ने जाहिर कर दिया कि हम सत्ता से भागीदारी करना चाहते हैं, हम समझौता और गठबंधन तो करना चाहते हैं, परंतु वो निषादों का जो नदी के किनारे बने हुए अपने जीवन यापन को, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए नदियों के किनारे बसे हुए, आज उनकी स्थिति बद से बदतर स्थितियां होती जा रही हैं। संजय निषाद जी ने ये समझौता तो गृहमंत्री से किया, भारतीय जनता पार्टी से करने का प्रयास तो किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी, संभवतः निषाद जी ये नहीं जानते थे कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज डिप्टी सीएम है, जिनके नाम पे प्रदेश उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाता है, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो योगी को बैठा दिया जाता है, और वो पिछड़ों वर्ग का नेता जो अपने प्रदेश के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लड़ता है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। संभवतः संजय निषाद जी ये नहीं जानते थे। आज जब जातिवाद गणना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पीछे चली जाती है, आज जब ये बिहार में जदयू की बात होती है जातिवाद जनगणना के पीछे चले जाते हैं। हम दलितों के, हम पिछड़ों के, हम हिमायती हैं, हम समाज में समरसता के स्थापना करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के साथ चलना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं, ये तो केवल नारे लगाते हैं, ये झूठे वादे करते हैं, इनका तो केवल छलावा देना है। इसके नजीक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और संजय निषाद जी को आने वाले समय में वक्त के साथ पता चल जाएगा कि इन्होंने निषाद पार्टी के साथ क्या किया और किस प्रकार से इन्होंने छलावा देकर एक किनारे कर दिया। उनके राजनीतिक करियर
उसका ये शुरुआत भी होगा, क्योंकि हमारे साथ थे। अब इनको सत्ता की लोलुपता किसी को कहीं पे भी ले जा सकती है, लेकिन उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा हमें लगता नहीं, क्योंकि आज की पूरी रैली गुमराह किया इन्होंने, ये तक नहीं बताया। ये कहते हैं कि अभी इनके प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हमारी कई बिंदुओं पे वार्ता हो चुकी है, ये रोज उद्घाटन कर रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे का 18 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं, इनके उद्घाटन पे उद्घाटन होते जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और निषाद पार्टी के साथ छलावा कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आता हूं। शाही साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अब देखिए, अब सबका जवाब इकट्ठा हो गया, मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ। हमारे परिवार के सदस्य माननीय निषाद जी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने आज रैली से लौटने के बाद आपके सवाल का संतोषजनक जवाब दिया, यानी कि हमारे परिवार के लोग खुश हैं हमारे साथ। लेकिन यही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़े हुए महान दल, उन्होंने कहा केशव जी मौर्य जो है वहां भी एक है, उन्होंने कहा कि राजभर जी जोकर हैं। राजभर जी ने अखिलेश यादव जी को जोकर, बड़ा जोकर कह दिया, तो संतुष्टि वहां है या हमारे यहाँ है, या बताइए आप, ये देख लीजिए अपने आप, निर्णय जनता को करने दीजिए। अब मैं कांग्रेस के नेताओं पर आ जाता हूँ। मैं शफीकुर रहमान वर्क साहब के बयान पर नहीं जा रहा हूँ, जो उन्होंने कई साल की लड़की पर कहा कि आवारगी बढ़ जाएगी, बड़े शायराना अंदाज में, और उसको जस्टिफाई किया है अखिलेश यादव ने। अच्छा, आप कह भी नहीं रहे और कह भी दिया, बुजुर्ग है आप, कह भी नहीं रहे और कह भी दिया। सिंह जी ने कहा था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आज अखिलेश जी ने कहा है कि बुजुर्गों से गलतियां हो जाती हैं। अब मैं कांग्रेस के प्रदीप भाई का जवाब देता हूँ। प्रदीप भाई 40% आरक्षण देने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मंत्रिमंडल साहब की ऑडियो थोड़ी सही की जाए, इको हो रहा है बहुत ज्यादा। मंत्री ये बनाते हैं, वो 40% का वादा इनका पूरे देश में लागू है या नहीं है। दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़कर उत्तर प्रदेश में 5 महिला नेताओं का नाम बता दे जिसको 10,000 पब्लिक जानती हो। तो इन्होंने बताया तो प्रदेश अध्यक्ष, सीपीएल लीडर, सब तो इन्होंने बता दिया। अरे कहा है आज 5 नाम बता दे, वो ऐसा नहीं, देखिए कहने की बात नहीं है इनके नेता। और सुनिए, महिलाओं पर रमेश कुमार विधायक का बयान बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, आज जो शर्मनाक बयान दिया। राहुल गांधी जी महिलाओं पर कहते हैं कि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, राहुल गांधी का बयान आता है। तो इस कांग्रेस जो आज यहाँ शुचिता की बात करती है कि हम 40% देंगे लोगों को, 40% का आरक्षण देंगे, महिलाओं पर पहले अपना ये क्लियर करें कि हमारा क्या है लाइन ऑफ एक्शन, हमारे पास नेता है कि नहीं है, कहां से। एक सौ टिकट नहीं मिला था समाजवादी पार्टी के साथ इन लोगों को, जब हुआ था इनका गठबंधन 2017 में, दो लड़कों की जोड़ी बनी थी नितिन जी, उसके बाद इनके पास 7 विधायक हो गए, 6.25% का वोट हो गया। आज क्या कर लेंगे, कहां से लाएंगे 160? तो खोजे नहीं गए 160, महिला कहां से लेकर आएंगे। कांग्रेस की स्थिति बड़ी बुरी है देश में, ये लोग अपने कायदे, अपने कानून, अपने नियत से ये लोग 00 में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये वीरेंद्र में आता हूं मैं एक बार फिर से, समाजवादी पार्टी में शामिल हुई प्रसपा की, अभी हम वीरेंद्र की बात सुन रहे थे। हाँ, मैं वहीं आ रहा था। तो देखिए, इन लोगों की मजबूरी है, शिवपाल यादव जी की, आप देखिए उनका अंतिम पारी वो खेल रहे हैं, अपने लड़के को स्थापित करना है, अपने साथ के कुछ लोगों को स्थापित करना है। जो आने वाले दिनों में देखना होगा नितिन जी, कि वो लोग अखिलेश यादव जी जो खड़े मंच से अपने पिता का माइक छीनकर उनको हटाने का काम करते हैं, वो इनके अनुयायियों को कहां एडजस्ट करेंगे और कितने दिन की का ये गठबंधन चलेगा। आज ये गठबंधन, अच्छा आपके साथ, आपके आपके साथ कोई जाए, आप लोग शाही साहब आपके साथ कोई जाए तो ठीक है, इन लोग के साथ कोई जाए तो इन लोग की मजबूरी आप बता रहे हैं। अब मजबूरी शिवपाल जी की भी मजबूरी है, अखिलेश जी की भी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहरों का पुनरोद्धार करने के लिए जो 11-12 मुख्यमंत्री यहाँ उतारे, वो लोग आए, इन लोगों से दहशत फैल गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि काशी मॉडल अपने प्रदेशों में लागू कराइए, उसके बाद इन लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं, फिर उसके बाद चाचा से मिलने ये चले जाते हैं। उसके पहले क्यों नहीं चाचा को पूछते हैं। ठीक है, डर और दहशत का माहौल है समाजवादी पार्टी के अंदर। ठीक है, अजय सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे। हमारा यही कहना है कि जो चीजें चली आ रही हैं, गठबंधन का एक रूल हो गया, एक नियम, एक वर्ताव हो गया है आपस में, और ये समय
दोनों ने अडॉप्ट किया है तो निश्चित तौर पे इसका इसका रिजल्ट सामने ही होगा दो महीने के बाद। अब रह गई बात कि किसका दिल किससे मिला। ये हम लोग क्यों कह रहे हैं कि झूठे वादे करके आए हैं, झूठे वादे कर रहे थे आज की रैली में भी, लोग सुनने कुछ और आए थे, सुनाया कुछ और। सुनने तो बहुत कुछ आए थे, मैंने अभी तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको अवगत कराया कि माननीय अमित शाह जी ने जिन बिंदुओं पर डिसीजन लेके सुबह के अखबारों में 16 बिंदु बहुत बहुत प्रमुखता से बिंदु रखे गए थे, उस बिंदु में सबसे प्रमुख था मछुआ आंदोलन से जुड़ा हुआ, उनके तालघाट नदी के पट्टे उन्हीं के नाम से होंगे, नंबर दो 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस पॉलिसी उनके नाम से होगी, नंबर तीन उनके धंधे को कृषि का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद से इंश्योर्ड कर दिया गया, फाइनेंस की व्यवस्था कर दी गई। तो 16 बिंदुओं पे उन्होंने अपने को अवगत कराया है कि यह आज से लागू हो गए आपके पक्ष में, नंबर वन। नंबर दो बातें हैं जो आप लोग जिस विषय को प्रमुखता से रख रहे हो, आरक्षण। देखिए आरक्षण इतना सरल होता तो यह बात तुरंत लागू हो जाती, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी बिंदु होते हैं, वह स्वीकार किए हैं कि मछुआ आंदोलन में ऐसे कई विषय हैं जो अभी लंबित है, जिसको बहुत ही जल्द हम लोग की कोर टीम बैठ करके आपके समक्ष इसको रखेगी। प्रदीप जी कह रहे हैं कि निषाद समाज पर जब अपराध होता है, अत्याचार होता है, तो संजय निषाद ही नहीं बोलने आते हैं। नहीं, संजय निषाद जी की बात मैं बता दूं आपको, एकमात्र संजय कुमार निषाद जी ऐसे लीडर हैं इस समाज के जिन्होंने समाज हित के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है। नंबर दो बात बता दूं कि जो केवल इस समाज की ही बात नहीं है, आप देखिए 17 जातियां जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो मझवार कम्युनिटी की होती हैं, और केंद्र सरकार ने उसको 26 साल पहले लागू कर दिया है मझवार कम्युनिटी में आने वाली जातियों को, परंतु इसकी जो पिछली दो सरकारें थी मझवार समुदाय को उत्तर प्रदेश में धूमिल करके रखी हुई थी, ताकि इन लोगों को पता ही न चले, इन निषादों को, बिंद को, कश्यप को, मल्लाह को, केवट को, कि आप मझवार कम्युनिटी से आते हो साहब। जबकि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सब छोड़िए, विचार होने दीजिए, मैं कह रहा हूँ विचार होने दीजिए, मेन मुद्दा बताइए सीट वीट वाला क्या हुआ। हाँ, सीट मैं उसी बिंदु पे आता हूँ जो परमादी डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा था, ओपी राजभर ने कहा था कि सपा में सीट नहीं देगी तब भी हम साथ में, क्योंकि बीजेपी। देखिए उनका मत है, हम अपना मत की बात करते हैं, उनके मत की क्या आधार रखी जाए साहब। जो मत आज कुछ है कल कुछ है, कभी वो 24 प्रधानमंत्री बना देते, कभी 12 चीफ मिनिस्टर बना देते, उसका कोई आधार नहीं। हम बात करते हैं अपनी सीटों को लेकर के। अमित शाह जी ने जब ये बिंदु पांचवी बार की बैठक में रखे थे कि साहब आप जिन सीटों पे अपनी बहुलता रखे हुए हो उन सीटों की लिस्ट हमें दो, हमारी कोर टीम या भाजपा की प्रखर जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर सर्वे करके उसका मिलान करेगी, तो उसमें हम तय करेंगे कि आप किन सीटों पर कितनी अपनी बहुतायत रखते हो और कितना अपना अधिकार रखते हो जीतने का। तो उस उनके समक्ष ये बात पूरी तरह से रखी गई, जो 70 सीटें हैं उन 70 सीटों में विधानसभा जो 2022 में लड़ने जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे टीम को लगाने के उपरांत डॉक्टर संजय निषाद जी को उनकी बहुलता वाली सीटों को उनके समक्ष रखा है कि इन बिंदुओं पर आप हमें बताइए कि आपकी कोर टीम कितना काम कर रही है। वह सारे बिंदु उन्होंने रखे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि 2 दर्जन सीटों पर इनकी सहमति ऑलमोस्ट बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। निश्चित तौर पर इससे पहले का चुनाव था तो राजभर जी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने गठबंधन के लिए कर रहे थे, और जब उन सवालों के साथ जब सरकार में उन्होंने प्रश्न खड़े किए और कहा ये अधिकार हमको मिलने चाहिए, पिछड़ों को मिलने चाहिए, तो जितनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग और उनके प्रवक्ता उस राजनीतिक दल के लिए और राजभर जी के लिए कर रहे थे, श्री राजभर जी के लिए कर रहे थे, उतना अपमानजनक और इतना निर्दयी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जिससे संवेदनहीनता का आकंठ तक डूबी हुई भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आज निश्चित तौर पर ये बात जरूर है कि आज गठबंधन का प्रारंभ है और आने वाले चुनाव में ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ सकती है। लोग दर्जन सीट बता रहे ये लोग इतने अहंकारी हैं कि इन्होंने कभी किसी के लिए मर्यादित भाषा का प्रयोग गठबंधन के साथियों के लिए नहीं किया। और पिछड़ों की जब बात करते हैं, केशव मौर्य जी बेचारे पिछली बार ही संघर्ष करते करते थक गए और उसके बाद मिला क्या, ठाकुर साहब आ गए, उन्होंने जबरदस्ती अपनी कुर्सी हथिया ली। आज भी जैसे समाजवादी पार्टी के लिए MY कनेक्शन की बात करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार केवल टी सीरीज के माध्यम चल रही है, क्षत्रिय महासभा की सरकार बताइए।
आप उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में एक भी इंस्पेक्टर 80% थानों के इंस्पेक्टर एक ठाकुर साहब होंगे, पंडित जी अगर पहुंच जाए, कोई ये निषाद समुदाय के लोग पहुंच जाए, कहते मेरी साइकिल चोरी हो गई है, निश्चित तौर पर ठाकुर साहब जो दरोगा जी बैठे हैं 20 लाठी मारेंगे, कहेंगे यही अपराधी है, पकड़ के इसको बंद करो। ये भाषा निश्चित तौर पर है। आज शाही जी के अलावा कोई पंडित जी प्रवक्ता निकाल के बुलाइए जो इस तरह की भाषा बोल रहा हो। शाही जी तो मजबूत है ही है, शाही जी तो ताकत में है ही है, लेकिन कोई कोई मिश्रा जी, कोई तिवारी जी, कोई वर्मा जी मिल जाए क्या, क्या मिलेंगे आपको इस तरह की भाषा बोलने वाले? ये तो ताकत में है, ये तो दबंगई से बात करेंगे, ये बोलने थोड़े देंगे किसी को। ठीक, मिसम भाई क्या कह रहे थे? देखिए ऐसा है कि अभी जो हमारे मित्र जो है वो कांग्रेस के प्रदीप जी ने बात कही कि अगर कोई और चला जाए थाने में तो क्या हाल होगा कानून व्यवस्था का, वो तो आप देख ही रहे हैं कि आपके गृह मंत्री जो राज्य की गृह मंत्री है टीनी जी हैं, उनका बर्ताव किस तरह से मीडिया के लिए, वो किस तरह से बात कर रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उनको पूरा देश देख रहा है। आज तो हर आदमी के पास मोबाइल है, बातें छुप नहीं सकती हैं, किस प्रकार धमका रहे हैं। तो अभी कहा है प्रदीप जी ने, इनका अहंकार जो है, इनका जो आप, मैं बताऊं आपको कि ये इतना ज्यादा ये मतलब अहंकारी हो गए हैं कि अब ये रावण से भी बढ़कर के हो गए हैं, और रावण का भी इतना ही अहंकार था मगर उसका खत्म हो गया। आज जिनका ये मंदिर स्थापित कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, जिस राम राज की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने ही रावण का नाश किया था, और ये जो काम कर रहे हैं ये अपना ही नाश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जो मंदिर बन रहा है, ये मंदिर बनने के बाद ये राम राज की स्थापना समाजवाद से होती है, ये समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं, और राम जी जब बैठेंगे तो मतलब इसका क्रेडिट भी आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका नरसंहार करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अहंकार राम जी को पसंद नहीं है, अगर आप राम जी के वंशज और राम जी के मानने वाले हैं तो आप अहंकारी नहीं होंगे, और अगर रावण के मानने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है कि राम जी ही अंत करेंगे आपका, और आप उनको स्थापित कर नहीं रहे बल्कि आपसे राम जी करा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से अहंकारी और किस तरह की भाषा में बात करते हैं। अगर इसे कोई आदमी टूट करके चला जाता है तो बस नहीं कि आप उसके लिए किस किस तरह की भाषा। अच्छा, ये दो दर्जन सीट मिलेगी कि नहीं? दो दर्जन सीट, अरे देखे जाइए जूतों में दाल बटेगी। अभी आने का समय देखिए, ये जिन निषाद लोगों की बात कर रहे हैं ना, निषाद लोगों ने आज ही से मन मना लिया है। देखिए ऐसा है कि सब कोई समाजवादी पार्टी में आ रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां जहां गुजर रहे हैं, आप यकीन जानिए जो उत्साह लोगों में आप देख रहे हैं ना, किस तरह से हो रहा है कि लोग भाग रहे हैं, लोगों को उम्मीद की एक करण दिखाई दे रही है। देखिए हमारे यहाँ, माफी चाहूंगा शाहिद जी, के देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था हमें गंगा मैया ने बुलाया है, और बेशक उन्हें गंगा मैया ने बुलाया था और वो इज्जत के साथ आए थे, और जब आखिरी वक्त होता है तो फिर एक बार गंगा मैया बुलाकर डुबकी लगा करके, आप समझ रहे हैं, आखिरी वक्तों में मोक्ष धाम प्राप्त करने आते हैं, वो प्राप्त हो गया, उनको मिल गया। यही क्या कम है कि गंगा जी ने उनको मोक्ष दे दिया कि जाओ बच्चा, आप वो यहाँ से चले गए, और जा करके उन्होंने अपने आप के जैसे प्रवक्ताओं को छोड़ दिया है जो केवल सिलिया का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए जब इनकी मीटिंग होती है, ये एक ही बात को दस दस बार, इनके गृह मंत्री, आप हैरत हो रही है, आप देखिए देश का गृह मंत्री सुनने के लिए, क्या मैं नहीं सुनता हूँ? जल्दी जल्दी बोलिए। देश के गृह मंत्री को सुनने के लिए ना उसके अंदर सपा का कोई बाउंडेशन, ना बसपा का बाउंडेशन, ना कांग्रेस का, ना आम जनता का, ना पंडित, ना बुनिया, ना यादव, ना कटिक, ना केवट, ना मल्हा, किसी का बाउंडेशन नहीं होता है, हर आदमी सुनना चाहता है। तो आपने देखा किस तरह की बात कर रहे हैं खड़े होकर के देश के गृह मंत्री जी, कि वो मैंने वहां पर मंदिर बनेगा, काशी मोक्ष की जगह है, यहाँ शिव धाम है। अरे भैया वो तो है, हमेशा से है, जब से धरती बनी हो तब तक रहेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का उद्घोष क्या है? आप नारा लगवा रहे हो भारत माता की जय, रामचंद्र जी जिंदाबाद। अरे भैया किसने कहा वो तो है? अरे यार काम की बात करो आप तो। वही हमें लगता है योगी जी का साथ पकड़ करके अमित शाह जी भी बहक गए, अब उनका भी काम यही हो गया। देखिए वो बात करो जो जनता सुनने आई है, आपको जिसलिए चुना राम जी ने, जिसलिए आपको यहाँ पर बिठाया है, आप वो बात करो। आप बात क्या कर रहे हो? आपने एक बार सबको बुला के घेर लिया, चारों तरफ से बैठा लिया, और बैठा करके आप अपनी बात कर रहे हो। अरे जिस तरह से अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं, एक बार सड़क पर निकल के देखिए, अगर आपको जानवर भी मिल जाए सुनने के लिए, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकल रहे हैं,
ये लोग दौड़ करके रात रात भर इंतजार कर रहे हैं। गाजीपुर से जब लौटे थे सुबह 4 बजे तक अरे शाही जी तो जो कहना था वो कर चुके। अब जनता का समय कहने का, ये जनता की आवाज है। सुनिए शाही जी, आपके आपके नेता जब उद्घाटन करने आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, तो आपने गौर किया था कि वो आवाजें शाही साहब कुछ कह रहे हैं? अरे हम सब सुन चुके हैं, वो उत्साह नहीं था। और मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब दूसरे दिन हमारे एक बार पूर्वांचल एक्सप्रेस पर निकले सुबह 4 बजे तक लखनऊ पर, ठीक है प्लीज 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 हो गया पता लग जाएगा। हाँ वीरेंद्र मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बातें करते हैं, आज इनका गृह राज्य मंत्री टीणी उसके खिलाफ रोज आवाज संसद में उठ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब यमराज से गुप्त बातें कर रहे थे, लक्ष्मण जी से प्यारा उनका कोई भाई नहीं था, उन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बातें केवल काल्पनिक हवा में करते हैं। इनका काम है इस प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ब्राह्मण पिट रहा है, और एक ठाकुर ठट की सरकार प्रदीप जी ने अभी जो कहा, छात्री वर्ग की सरकार समानांतर चल रही है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, दलित वर्ग पिट रहा है, पिछड़ों के साथ धोखा दिया जा रहा है, जातिवाद जनगणना की बात नहीं होती है। आज आज इनके सत्ता पद के लाए हुए बटों से इनके भीड़े बटोरी जा रही हैं। अगर देखना हो जनता का जन सैलाब तो अखिलेश यादव की जन सैलाब जन समर्थन रैलियों में आप देखिए, और ये इस प्रकार से भूल भुलामे में जनता नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ठीक है शाही साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड में फिर खत्म करनी है मुझे डिबेट। नितिन भाई सिर्फ मुझे इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू तीर्थ स्थानों का जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा खत्म किए गए थे उसको पुनरुद्धार हम करा रहे हैं। तो मिशन भाई से मेरा कहना है कि ये घोषणा कर दे कि यदुवंशी अखिलेश यादव जो कहते हैं अपने आप को, वो काशी मथुरा में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, यही घोषणा कर दे खाली, मुझे और कुछ नहीं कहना। हम लोग वादे नहीं करते हैं, समय आ गया वो भी करके दिखा देंगे। ठीक है आप सभी वो भी करके दिखा देंगे। ठीक है आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी करके ठीक है। ठीक है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में जो राजनीतिक दल है वो लगातार रैलियां और लगातार घोषणाएं लगातार यात्राएं करने में लग गए हैं, और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लग जाएगी, चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन जनता अपने मुद्दों पर बनी रहे तभी बेहतर है, और तभी एक बेहतर सरकार भी उसे मिलेगी। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, अमित जनमति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।